सिवान सदर अस्पताल के मरीजों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव के द्वारा वहां पर अब पानी की व्यवस्था करा दी गई है, जिसका उद्घाटन सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव और सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद ने फीता काटकर किया। बताते चले कि आए दिन मरीजों को पानी के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधाएं सिवान के सदर अस्पताल परिसर में ही उपलब्ध है, जहाँ पर अब मरीज या उनके परिजन 2 रुपए डालेंगे तो 1 लीटर पानी उन्हें मिल सकता है। ऐसे में यह कार्य से लोग काफी खुश हैं और काफी सराह रहे हैं। सर थोड़ा सा सर पानी पी के देखी पानी पीजिए देखिए 150 महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पर कल स्वच्छता अभियान मनाया गया और स्वच्छ जल के लिए भी प्रधानमंत्री ने ऐसी व्यवस्था की है कि गंदे जल के वजह से लोगों को अनेक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, इसलिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाए। और हमारे माननीय सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी ने अपने स्थानीय विकास पद के माध्यम से इस एटीएम को समर्पित किया है, इस हॉस्पिटल को, जिसमें शुद्ध जल और ठंडा जल सबको मिलेगा। और एक साथ साथ एक और भी व्यवस्था हम श्री सज्जन साहब के माध्यम से रोगी कल्याण समिति है, उसके अकाउंट में जो रजिस्ट्रेशन होता है रोगियों का, वह पैसा जमा होता है, तो उस रोगी कल्याण समिति के पैसे से एक यहाँ पर सबमर्सिबल बोरिंग करा कर जितने वार्ड में है सभी वार्ड में टंकी लगा कर और सबमर्सिबल बोरिंग से हर टंकी में पानी दिया जाएगा। सर्जन साहब के यहाँ 2-3 मशीनें हैं जो ठंडा करती हैं और पानी को, उसका भी लाभ लोगों को मिलेगा और इसका भी लाभ लोगों को मिलेगा और स्वच्छ जल रोगी पिएंगे तो उनके बीमारियों में बहुत अधिक कमी आएगी और वे जल्दी से विधानसभा के सदस्य श्री व्यासदेव प्रसाद जी ने कहा स्वच्छ पानी से अनेक बीमारियों से निजात मिल सकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना स्वच्छ भारत का निर्माण करने के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसी के तहत लगभग 15 लाख रुपए की लागत है आशीष पानी एटीएम का निर्माण कराया गया। और आपने देखा होगा करीब 11 लाख रुपए की लागत से हम लोगों ने सदर अस्पताल में शौचालय बनाने का काम हम लोग किया है। बहुत सुंदर और व्यवस्थित ढंग से हमारे शौचालय का काम हो रहा है और अस्पताल भी व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। पहले की सरकार
दवा की बात छोड़िए, रुई और सुई वही उपलब्ध नहीं हुआ करता था। हमारी सरकार 33 दवाएं मुफ्त में दे रही है और हर तरह की दवाएं हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। आज सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, पहले लोग यहाँ आते नहीं थे इलाज कराने के लिए। तो हमारी सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक तरह की योजना शुरू की है। आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। 5 लाख रुपया 10 करोड़ लोगों के बीच में दिए जाएंगे एक कार्ड के माध्यम से, और जहां संपन्न लोग धनाढ्य लोग इलाज कराते हैं वहां हमारे भारत के गरीब भी इलाज कराने का सपना साकार होने जा रहा है। तो आज सिवान की जनता की ओर से हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन लोगों के सार्थक कूच के बदौलत हमारे देश के अनेक गरीबों का कल्याण संभव है। सांसद साहब, ये ATM जो मुझे लागत है और 2000 लीटर पानी का स्ट्रेंथ है, क्या चार्जेस रहेंगे मरीजों के? दूर मरीज ही नहीं, अगल बगल के लोग भी इसका सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 2 रुपया डाल करके वो अपना 1 लीटर पानी प्राप्त कर सकते हैं। सांसद साहब, दवा की कमी है, बिहार में 50 लाख रुपया मिला है सदर अस्पताल की व्यवस्थित ढंग से काम करने के लिए। पहले आप कैसे कह देते कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? अगर मान लीजिए कि सदर अस्पताल में दवाइयाँ मिलनी चाहिए, उसमें से बहुत दवाइयाँ नहीं मिलती है, मरीज बाहर से खरीदता है। ऐसे में क्या, आप लोग हम लोगों के साथ में थे 3-4 माह पहले, हम लोग आए थे अचानक विजिट करने के लिए। हम लोगों ने मरीजों से पूछा कि आप लोगों को दवाई मिल रही है, तो दवाइयों के लिए लंबी लाइन लगी थी और दवाई उपलब्ध हो रहा था। माननीय मंत्री जी हमारे मंत्री रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री के, और हमारे यहाँ के हम लोग के बड़े भाई मंगल पांडे जी के निर्देशानुसार पूरे बिहार में दवाइयाँ मिल रही है। ऐसा